नमस्ते, मेरा नाम चक्रधर मिश्र है। मैं अभी 5 वर्ष का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का निवासी हूँ, जो भारत का एक राज्य है। मुझे अपने बड़ों से यह पता चला कि हमारा भारत कई शताब्दियों तक मुगलों एवं अंग्रेजों का गुलाम था। तभी मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, गुलाम क्या होता है? मेरी माँ ने बताया, जो दूसरे का अधीन जीवन यापन करे और उसका अपना कुछ भी ना हो, जो भी हो उसके मालिक का हो। मैं उदास हो गया। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, गुलामी और कमजोरी एक ही चीज होती है? मेरी माँ ने पूछा, क्यों नहीं? तो कमजोरी मन की शंका होती है और हम भारतीय मन तन से बलवान होते हैं, हम जिसके कारण उन दिनों में हमारे भारत को एक गुलाम देश से ज्यादा एक सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। हमारे भारत के कई महान महापुरुषों ने अपने योगदान और बलिदान से हमें आज़ादी दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, ऊधम सिंह, रानी लक्ष्मी बाई, जैसे कई महापुरुषों का बलिदान रंग लाया। और 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की दास्ता से हमें मुक्ति प्राप्त हुई। उन सभी स्वतंत्रता के अग्रदूतों को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि एवं सत सत नमन। मुझे गर्व है कि मैं उनका एक पथ अवलोकन करता हूँ और मुझे भी अपने सुकृतियों से भारतवर्ष का नाम रोशन करने का एक अवसर भारतीय होने के कारण प्राप्त हुआ। हमारे भारत के उपलब्धियों को यूं गिन पाना बहुत कठिन है। हमारा भारत सदियों से विश्व प्रसिद्ध है, जिसे मैं एक गीत के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने पहले दुनिया को सिखलाई। देता ना दशा मोला वो भारत तो, चांद पर जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। धन्यवाद।